जमा 53 करोड़, कुल निकासी 51 करोड़, खाते में बचे 2 करोड़। कहां गए सुशांत के 51 करोड़ रुपए? सुशांत के बैंक स्टेटमेंट से हुआ बड़ा खुलासा। सबसे पहले सुशांत के कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट की डिटेल का ये निचोड़ देख लीजिए, ये डिटेल आपको चौंका देगी। अकाउंट में कुल जमा रकम 53 करोड़ 65 लाख 68 हजार। अकाउंट से कुल निकाले गए पैसे 51 करोड़ 39 लाख 19 हजार। मौत से ठीक पहले बचा बैलेंस 2 करोड़ 26 लाख 48 हजार से ज्यादा, यानी 3 साल में सुशांत के अकाउंट में 53 करोड़ रुपए जमा हुए, लेकिन मौत से ठीक पहले उनके अकाउंट में महज 2 करोड़ 26 लाख ही बचे थे। ये डिटेल बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है। ये बैंक स्टेटमेंट मार्च 2017 से जुलाई 2020 तक की है। सवाल ये है कि सुशांत के 51 करोड़ 39 लाख रुपए कहां गए, कहां खर्च हुए? क्या कोई सुशांत के पैसों का बेजा इस्तेमाल कर रहा था, या खुद सुशांत इन पैसों को खर्च कर रहे थे, या कहीं बड़ा निवेश कर रहे थे, या फिर किसी और अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहे थे? सुशांत की बैंक डिटेल्स की एक और बात चौंकाने वाली है। अकाउंट से 3561 बार पैसे निकाले गए, जबकि 344 बार पैसे जमा हुए। सवाल ये है कि जो सुशांत अपने खर्चे कम करने को लेकर परेशान थे, जो फ्यूचर में पैसा बचाने की पूरी प्लानिंग जनवरी में कर रहे थे, उनके एक अकाउंट से इतना खर्चा संदेह तो जरूर पैदा करता है। अब आपको सुशांत की बैंक डिटेल से जुड़ी अहम जानकारी देते हैं। आखिरी दिनों में सुशांत अपने पैसों का क्या कर रहे थे, इसका भी खुलासा हुआ है। 8 जून को सुशांत ने अपने दूसरे खाते में 50,000 रुपए ट्रांसफर किए थे। मोबाइल से 10,000 रुपए भी किसी को भेजे गए थे। अजीम ट्रेवल्स को 12,832 रुपए का भुगतान किया गया। पावन फार्म हाउस के स्टाफ को 46,400 रुपए दिए गए। पेट डॉग का खाना खरीदने के लिए 6,200 रुपए ट्रांसफर किए गए। हाउसकीपिंग स्टाफ नीरज को 15,820 रुपए की सैलरी दी गई। 20,000 रुपए किसी और को भी ट्रांसफर किए गए थे। उसके 3 दिन बाद 11 जून को सुशांत ने 3,87,000 रुपए अपने फ्लैट के किराए के लिए ट्रांसफर किए थे। अपनी मौत से एक दिन पहले यानी 13 जून को वीडियो गेम्स के शौकीन सुशांत ने 29,000 रुपए गेम्स की पेमेंट भी की। 10,000 रुपए डॉक्टर को कंसल्टेंसी फीस के रूप में दिए गए। बैंक अकाउंट से 4,500 रुपए भी उसी दिन ट्रांसफर किए गए थे। इन बैंक डिटेल से कुछ बातें साफ हो रही हैं। मौत से एक दिन पहले तक सुशांत लोगों को पेमेंट कर रहे थे, जिससे 13 जून तक किसी तरह की कोई अनहोनी होने की आशंका नहीं लग रही। दूसरी ओर कहा जा रहा है कि सुशांत डिप्रेशन में थे, लेकिन ये डिटेल्स बताती हैं कि किसको क्या पेमेंट करनी है, सुशांत को इसका पूरा होश था। सुशांत की बैंक डिटेल्स बड़े राज खोल सकती हैं। सीबीआई भी इस डिटेल को बारीकी से देख रही है। मुंबई से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।